सो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो इंट्रो वीडियो यूज़ करते हैं उसका ट्यूटोरियल बताने वाला हूं। तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने हमें कमेंट किया था कि मेरा जो इंट्रो वीडियो है उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो इसका शॉर्ट्स हमने दूसरे चैनल पर डाला था तो उस पर 2 लाख से ज़्यादा व्यू आया था। काफ़ी लोगों ने इसे बहुत पसंद किया था तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल लाना चाहिए, जो कि आज के इस वीडियो में बहुत इजी स्टेप में बताने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो हमें 2 फ़ोटो चाहिए, उसके बाद हम इन दोनों फ़ोटो को क्रॉप कर लेंगे। तो इस फ़ोटो को स्नैपशीट में लेके जाएंगे और टूल्स में जाएंगे और 3:2 का रेशियो सेलेक्ट करेंगे। इसे हम रोटेट कर लेंगे। उसके बाद फिर से टूल्स में जाएंगे, फ्रेम वाले टूल्स में जाएंगे, यहाँ से फर्स्ट वाला फ्रेम सेलेक्ट करेंगे और इसका अमाउंट्स को -20 कर देंगे। ठीक है, ओके। तो इसे हम सेव कर लेंगे। उसके बाद हम दूसरा फ़ोटो को भी सेम क्रॉप करके सेम फ्रेम डाल देंगे। उसके बाद हम काइन मास्टर में आएंगे, इसमें हम न्यू प्रोजेक्ट लेंगे। उसके बाद फर्स्ट वाला रेशियो 6:9 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम बैकग्राउंड वीडियो सेलेक्ट करेंगे। इस वीडियो में हमने जितना भी चीज़ें यूज़ किया है उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, यहाँ से जो हमारा 2 फ़ोटो था उससे हम ऐड कर लेंगे। दोनों फ़ोटो को ऐड करने के बाद दोनों फ़ोटो को हम सेम साइज में जूम आउट करके सेम कर लेंगे। उसके बाद दोनों फ़ोटो को एक दूसरे के अपोजिट में इस तरह से रख लेंगे। दोनों फ़ोटो का लेंथ हम फुल कर देंगे। अब हम अपने फ़ोटो लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इन एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ से वाइप डाउन वाले एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जहां हमारा फ़ोटो का एनिमेशन ख़त्म होता है यहां पर रुकेंगे और की वाले बटन को सेलेक्ट करेंगे और प्लस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेम उसी जगह दूसरे फ़ोटो को भी सेलेक्ट करेंगे, की बटन को सेलेक्ट करेंगे और प्लस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद 6 सेकेंड का हमारा इंट्रो वीडियो है तो 4 सेकेंड पर रुकेंगे और फिर से फर्स्ट वाले फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे, की वाले बटन को सिलेक्ट करेंगे और अपने फ़ोटो को ड्रैग करके सेंटर में ले आएंगे। उसी तरह हम दूसरी फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे, की बटन को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके इसे भी सेंटर में ले लेंगे। ओके, तो अब हम इसमें एक इफ़ेक्ट ऐड करेंगे। तो हमारा दोनों फ़ोटो जहां टच हो रहा है वहां पर रुकेंगे और इस एसेट पर क्लिक करेंगे। अपने मोबाइल डाटा नेटवर्क को ऑन रखना है। यहां से हम इस पर जाएंगे, VFX पर क्लिक करेंगे और स्टीयरिंग ग्लास को हम यहां से डाउनलोड कर लेंगे। तो हमारा पहले से डाउनलोड है तो हम बैक आ जाएंगे, लेयर पर जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, वीडियो एसेट में जाएंगे और
यहाँ से दो नंबर वाले वीडियो ऐड कर लेंगे। इसके बाद इसका ब्लेंडिंग मोड को हम स्क्रीन कर लेंगे और इसे वीडियो के बीच में रख लेंगे। उसके बाद हम यहां से इसे ट्रिम राइट कर लेंगे। अब हम इस वीडियो एसेट पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट में आएंगे, की बटन को सेलेक्ट करेंगे और लास्ट में जाएंगे, इसे जूम कर लेंगे। ओके, ओके। तो अब हम अपने नाम का टाइटल लिखेंगे। तो हमारे फोटो का एनिमेशन जहाँ ख़त्म हो रहा है 1 पॉइंट कुछ सेकेंड पर, तो हम यहाँ पर रुकेंगे और लेयर में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और अपने नेम का टाइटल लिख लेंगे। उसके बाद फॉन्ट वाला ऑप्शन में जाएंगे, लैटिन वाला में जाएंगे और यहाँ से हम ऑर्बिट्रॉन बोल्ट फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। इसे हम इतना पर जूम कर लेंगे। अब हम इस नेम वाले लेयर को सेलेक्ट करेंगे और नीचे आएंगे, आउटलाइन पर क्लिक करेंगे, इसे अनेबल कर लेंगे और इस कैपेसिटी को 10 पर रखेंगे। बैक आएंगे, ग्लो पर क्लिक करेंगे, इसे भी अनेबल कर देंगे, इसका कलर वाइट रखेंगे और इसका ऊपर वाला ओपेसिटी 30 और नीचे वाले 10 पर रखेंगे। बैक आ जाएंगे, इन एनिमेशन पर क्लिक करेंगे और वाइप डाउन एनिमेशन को सेलेक्ट कर लेंगे और इसका स्पीड हम स्लो कर देंगे। इसके बाद हम इसी जगह पर से लेयर में जाएंगे और टेक्स्ट में जाएंगे, ये वाला डॉट हम टेक्स्ट कर लेंगे। इसे हम अपने फोटो और टाइटल के सेंटर में रखेंगे। अब हम अपने इंट्रो में एक और टेक्स्ट ऐड करेंगे, आप इसे छोड़ भी सकते हो। तो हमारा नेम टाइटल का एनिमेशन जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पर हम रुकेंगे, लेयर में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और इसे हम हिंदी में लिखेंगे तो हम लिख लेते हैं। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे, 3 डॉट पर जाएंगे और इससे हम 2 और डुप्लीकेट कॉपी कर लेंगे। अब हम तीनों को बराबर भाग में एडिट टेक्स्ट कर लेंगे। उसके बाद पहले वाले को सेलेक्ट करेंगे, इसका कलर को हम ऑरेंज सेलेक्ट कर लेंगे और दूसरा को वाइट रखेंगे और तीसरा को हम ग्रीन सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो इसके बाद हम तीनों को ड्रैग करके सेट कर देंगे। ओके, तो अब हम इसमें एक सब्सक्राइबर बटन
ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसका ब्लेंडिंग मोड को हम स्क्रीन रखेंगे और इसका क्रोमा की को हम अनेबल कर देंगे। इसे हम नीचे साइड में रखेंगे, ठीक है। ओके, तो हमारा इंट्रो वीडियो रेडी है। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।